नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकें। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 31 अगस्त 2021 के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इसमें ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी। साथ ही दोस्तों, वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं, जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, दिन मंगलवार का दिन रहेगा, कृष्णपक्ष की नवमी तिथि रहेगी और रोहिणी नाम का दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, इन दिन योग की बात करें तो हर्षण नाम का शुभ योग सुबह के 8:48 रहेगा, उसके उपरांत ही वज्र नाम का योग प्रारंभ हो जाएंगे। वहीं दोस्तों, इसके उपरांत दिन राहु कल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, यश में आप कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, यह समय रहेगा शाम के 3:34 लेकर शाम के 5:08 तक। और दोस्तों, जन्माए दिन वृषभ राशि के उपरांत मकर राशि में संचार करेंगे। दोस्तों, घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं, ईर्ष्यालु के लिए कोई पड़ोसी नहीं और क्रोधी का कोई मित्र नहीं। दोस्तों, यदि आप सफल होना चाहते हो तो पहले से ही अपने अभिमान का नाश कर डालो। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं, बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं, दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं, ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। दोस्तों, अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखाती है और न ही दूसरों इंसान की अच्छी बातें। आपने कभी सोचा है कि हमारा अपना क्या है? जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने दिया, शिक्षा दूसरे ने दी, काम करना भी दूसरे ने सिखाया, अंत में शमशान भी दूसरे लोग ले जाएंगे। हमारा अपना इस संसार में क्या है जो इतना हम घमंड करते हैं? दोस्तों, अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश, यकीन न आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। दोस्तों, ठंड में हाथ और घमंड में दिमाग काम नहीं करते। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल। दोस्तों, आपका कोई भी प्लानिंग करना या फिर प्लानिंग से कार्य करना तथा सकारात्मक सोच आपको नई दिशा प्रदान करेगा। दोस्तों, आध्यात्मिक कार्यों के प्रति भी आपका यश में रुझान बढ़ेगा। दोस्तों, युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर यश में गंभीर रहेंगे, दूसरों की अपेक्षा अपने कार्य क्षमता पर विश्वास रखें, ये आपके लिए उचित होंगे। दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, आपकी लापरवाही की वजह से कुछ दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ेगा। दोस्तों, यश में किसी भी यात्रा को स्थगित रखें तथा कोई भी अनुचित काम करने से बचें। इसके बाद दोस्तों, ये जो आपके लिए समय होंगे, अपने काम के प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। परिवार में चल रहे झगड़ों से दूर रहने की भी कोशिश करें, प्रॉपर्टी से जुड़े वाद विवाद बढ़ सकते हैं। दोस्तों, जब तक परिस्थिति आपके पक्ष में नहीं है तब तक आपको कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आप अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर आगे भी बढ़ेंगे और सफलता भी आप इनसे हासिल करेंगे। दोस्तों, खर्चों पर नियंत्रण रखकर आर्थिक समस्याओं का निजात पाने में भी आप यह समय सक्षम रहेंगे। दोस्तों, धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यों के प्रति भी आपका श्रद्धा भाव आपके स्वभाव को विनम्र बनाकर रखेगा। साथ ही दोस्तों, यश में लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि किसी पर अधिक विश्वास ना करें। दोस्तों, आपको कोई धोखा भी मिल सकता है। विद्यार्थियों में यश में पढ़ाई के प्रति एकाग्रता का भाव रहेगा, तो इसका भी ध्यान रखें और विद्यार्थी वर्ग जितने भी हैं पढ़ाई की बच्ची है इसमें अपने जो है ध्यान को केंद्रित करें। सोशल मीडिया तथा फालतू की बातों में अपना समय को यश में नष्ट ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों दिन की शुरुआत में किसी भी बात के प्रति विचारों में क्लैरिटी ला पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे ही मन में चली रही दुविधाएं भी कम होगी। दोस्तों, परिस्थिति के बारे में अधिक जानकारी आपको प्राप्त होने की वजह से योग निर्णय भी आप यशमय ले पाएंगे। इसको प्रांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, दोस्तों किसी असंभव कार्य के अचानक ही बनने से मन में बहुत अधिक प्रसन्नता भी रहेगी। दोस्तों, यश में परंतु अपने व्यक्तिगत मामलों का खुलासा बाहर ना करें,
तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि दोस्तों कोई भी कार्य गुप्त रूप से करने से आपको जो है आशातीत सफलता प्राप्त होगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व फिर सहयोग परिवार पर यशमय बना रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों यह समय घर की सुख सुविधाओं संबंधी वस्तुओं पर खर्चे करते समय दोस्तों अपने बजट का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यह समय किसी प्रकार के नुकसान होने की भी स्थिति बन रही है दोस्तों, जिसकी वजह से खर्चे की अधिकता रहेगी। दोस्तों कभी कभी मौज मस्ती स्वभाव आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है, तो दोस्तों इनसे भी सावधान रहें। साथ ही दोस्तों यश में लोन संबंधी काम का जो भी है जल्दी जल्दी हो पाएंगे। यदि दोस्तों आप घर खरीदने की इच्छा रखते हैं तो दोस्तों योग प्रॉपर्टी आपकी नज़र में यश में आ सकता है या फिर मित्र द्वारा प्राप्त हो सकता है। दोस्तों घर में सकारात्मक ऊर्जाएं बनाए रखने के लिए घर में प्रकाश और हवा आने दें। परिवार के किसी व्यक्ति संबंधी चिंता आपको जो है रात में तकलीफ भी दे सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे दोस्तों अपने राजनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूत करें। यश में महत्वपूर्ण उपलब्धियां मिलने की जो है संभावना बन रही है। दोस्तों विद्यार्थियों को किसी इंटरव्यू या फिर प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल होगी। यश में आर्थिक स्थिति बेहतर रहेंगी। साथ ही दोस्तों पड़ोसियों से किसी प्रकार की झगड़ा या फिर कहासुनी हो सकती है, तो दोस्तों किसी भी समस्या को गुस्से या फिर आवेश के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि दोस्तों बाहरी व्यक्ति जो है आपको नुकसान इसमें पहुंचा सकता है, तो दोस्तों बाहरी व्यक्ति से मेल मिलाप करते समय सावधानी रखें। इसके बाद दोस्तों यह समय अपने अंदर के नेतृत्व गुणों को दिखाने के लिए आपको जो है अपनी भावनाओं पर काबू करना सीखना होगा। परिस्थिति फिलहाल आपके नियंत्रण में नहीं है, फिर भी दोस्तों आप उम्मीदें को ना खोएं। अपनी मेहनत और महत्वाकांक्षा द्वारा आप किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी भी यश में उठा पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों व्यावसायिक स्थल पर सहयोगियों तथा कर्मचारियों के सहयोग व फिर सलाह से रुकी हुई गतिविधियां दोबारा से शुरू करने में भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों नए ऑर्डर मिलने की भी संभावना बन रही है। आर्थिक परिस्थिति में बदलाव लाने के लिए अधिक मेहनत करने की भी आवश्यकता हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों बाहर के क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय बेहतरीन सफलता प्राप्त करेंगे। आसपास के व्यापारियों से चल रही प्रतिस्पर्धा में विजय आपको हासिल होंगे दोस्तों, इसलिए मेहनत करते रहें। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे दोस्तों, व्यवसाय में बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी, एक के बाद एक परेशानी सामने आएंगी। दोस्तों यह समय व्यापार में जो विस्तार संबंधी योजनाएं बना रहे थे उसे स्थगित ही रखें। नौकरी में अधिकता अधिकारियों व फिर सहकर्मियों का पूरा सहयोग आपको यश में प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों, यश में व्यवसायिक कार्यों में अपने सहयोगियों के निर्णयों को भी प्राथमिकता दें। दोस्तों आपको अवश्य फायदा होगा, नए अनुबंध भी हासिल होंगे, परंतु दोस्तों यह समय जो है व्यापार में कोई भी रिस्क ना लें। नौकरी पेशा व्यक्ति जल्दी ही अपना मनचाहा स्थान यश में प्राप्त कर सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय पति पत्नी आपसी सामंजस्य द्वारा जो है घर की समस्याओं को सुलझाने में काफ़ी हद तक सफल रहेंगे। विपरीत लिंगी व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि दोस्तों किसी प्रकार की मान आने की आशंका बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, पारिवारिक वातावरण इस समय खुशनुमा रहेगा। प्रेम संबंधों में भी कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती है, अतः दोस्तों समय रहते उनको निपटाने की आप कोशिश करें, ये आपके प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, बेवजह तनाव व फिर चिड़चिड़ा पर रहने से इसका असर आपके घर परिवार पर भी पड़ेगा। दोस्तों संतान के करियर संबंधी कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है, जिनसे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, परिवार के किसी व्यक्ति के साथ धार्मिक उत्सव में सम्मिलित होने का आपको मौका मिलेगा, तथा दोस्तों घर का वातावरण यह भी इसमें सुखद रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द की समस्या रहेगी। दोस्तों समय समय पर आराम करते रहें, एनर्जी वर्धक पदार्थों का भी आप सेवन करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में तनाव अस्वाद तथा मौसमी बीमारियों से बचकर रहें। उचित खान पान के साथ साथ आयुर्वेदिक चीज़ों का भी आप सेवन करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में ज़्यादा सोच विचार करने व फिर तनाव लेने से सिर दर्द व फिर पेट खराब होने जैसी स्थिति बन सकती है, तो दोस्तों यश में अपने भावनाओं पर कंट्रोल रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे और इनसे आपका स्वास्थ्य काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा हरा और भाग्यशाली अंक रहेगा 6।